हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी फिफ्थ सेम। आज हम देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स का दो पेपर चॉइस है आपके पास में, जिसमें से हमने जो चूज करी है इसमें वो है पेपर डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जिसके अंदर बेसिकली आपको एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट देखना है, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट देखना है, और एक है हमारी यूनिट है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रहेगी। तो ये तीनों यूनिट्स आपको कवर करनी है, जिसमें से आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो यूनिट फर्स्ट का है, जो पूरी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सबसे प्लस पॉइंट होता है वो ये कि एग्जाम में अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और आपने अगर पूरा क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिया है तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो फर्स्ट चीज इसके अंदर आपको ये ध्यान रखनी है हमेशा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अगर आपने सही ढंग से अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको फुल स्कोरिंग आपका यहाँ पे रहेगा। तो हमें कोशिश ये करनी कि पेपर में आप जितना हो सके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आता है उसको आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक आज का ले रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात नंबर्स की ही करेंगे ऑब्वियसली, पर किस टाइप के नंबर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे? नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे यहाँ पे फोर टाइप्स के नंबर सिस्टम की। तो आप जब बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें हम फोर टाइप्स के नंबर सिस्टम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम का कन्वर्जेंस देखेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आता है कि कन्वर्ट करना है आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले तो देखते हैं चार नंबर सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद में हम कन्वर्जेंस देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के हमारे पास में? फोर टाइप्स के हैं, ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं किस टाइप से नंबर को हमने क्लासिफाइड कर रखा है। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर सिस्टम। इसी तरीके से आप कॉलम बनाएंगे, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कंपटीशन एग्जाम्स के पर्पज के थ्रू भी, तो आप उसके लिए भी इसको अच्छे से देखिएगा। तो नंबर सिस्टम हो गया हमारा, और सेकंड हम इसके अंदर लेंगे कि हमारे डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक चलेगी इसके अंदर। तो डिजिट्स और यहाँ पे हम लिखेंगे बेस, ये तीनों चीजें क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारे पास में फर्स्ट नंबर सिस्टम होता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम। डिजिट्स का मतलब होता है कि इसमें आपकी डिजिट कहां से कहां तक चलेगी। डेसिमल हम जनरली यूज करते हैं वही नंबर से हमारे पास में, दैट इज 0 to 9। बेस का मतलब होता है कि आप जो भी नंबर लिखेंगे डेसिमल का, उसका बेस आप क्या लगाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल का मतलब 10, तो 0 से 9 तक हमारी डिजिट्स चल रही है, तो उसका बेस कितना लगाएंगे हम? 10, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब 2, टू डिजिट्स कौन कौन सी होगी? 0 और 1, ठीक है। तो बाइनरी वाले नंबर सिस्टम में केवल दो ही डिजिट हमें यूज करनी है, वो है 0 या 1। इसके अलावा और कोई डिजिट आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो 0 और 1 लेंगे, और बेस क्या होगा क्योंकि डिजिट कितनी है? 2 ही है हमारे पास में, तो बेस कितनी हो जाएगी हमारे? 2, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन्स 8, 8, और इसके जो डिजिट्स है वो कहां से कहां तक चलेंगे? 0 से स्टार्ट होंगे और 7 तक चलेंगे, ठीक है। और क्योंकि इसमें कितनी 8 डिजिट्स है हमारे पास में, तो बेस कितना रहेगा? 8। फोर्थ आता है हमारे पास में वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसके अंदर नाम से लिखता है हेक्सा मीन 6, डेसिमल मतलब 10, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 0 to 16। तो बेस कितना हो? 0 to 13।
बेस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, इसका बेस आप बताएंगे कि कितना बेस आ रहा है यहाँ पे। टोटल 16 डिजिट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेस जब भी आप किसी नंबर का लगाएंगे हेक्साडेसिमल नंबर का, तो कितना हो जाएगा 16 आपको यूज करना है यहाँ पे। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए है, स्टार्टिंग के लिए है। और हमें जो क्वेश्चन आएगा या पूछा जाएगा वो होगा नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जन कैसे करेंगे, मतलब डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल या इंटर कन्वर्जन आप कैसे करेंगे इसके अंदर, तो वो हमें इसके अंदर बेसिकली देखना है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस यूनिट के अंदर हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो जहां हिंदी आएगी वहां हम हिंदी टर्म्स को यूज करेंगे, बाकी इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चंस ही है और टर्म जो बेसिकली यूज की जा रही है वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप इसको इसी टर्म्स में ही यूज करेंगे। आपके एग्जाम में भी यही टर्म्स लिखी हुई आएगी, तो आपको इंग्लिश टर्म्स को ही इसके अंदर यूज करना है। और क्वेश्चंस जो है उसको आपको ध्यान से देखना है कि कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि चार नंबर सिस्टम हमारे पास कौन कौन से है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल में नंबर्स डिजिट्स जो चल रही है वो 0 से 9 चलेगी, और कोई भी नंबर आपने डेसिमल लिखा है तो उसका बेस आपको 10 लगाना पड़ेगा। बेस का मतलब होता है नंबर के साथ में आप क्या चीज यूज करेंगे, वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा कि कैसे बेस को यूज करना है। बाइनरी वाला उसके अंदर क्या होगा, 0 और 1 केवल दो भी डिजिट हम यूज करते हैं, तो इसे बेस भी हमारा क्या होगा 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम इसके अंदर आपके पास में डिजिट 0 से 7 चलेगी, उसका बेस आप क्या यूज करेंगे 8। और कोई भी अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसको आप 0 से 15 डिजिट तक आप लिख सकते हैं, जिसका बेस जो यूज होगा वो होगा 16। कैसे यूज करना है इसे अब वो हमें देखना है, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन अब देखेंगे इसके अंदर कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कन्वर्जन है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन होगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे देखेंगे, डेसिमल में आपको ये चार तीनों कन्वर्जन करने, डेसिमल से बाइनरी कैसे आएंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे आएंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे आएंगे, ये तीन आपको जो बाकी बचे हुए हैं इनके अंदर वापस कन्वर्ट करना है नंबर को। तो हम जो देख रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन है, और उसको आप दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको इसके अंदर देखना है। तो फर्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है वो है डेसिमल कन्वर्जन्स। डेसिमल कन्वर्जन्स जिसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप स्टेप्स को भूल जाते हैं आपसे स्टेप छूट जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, और दूसरी चीज आपका जो पूरा प्रोसेस किया हुआ है वो गलत हो जाएगा। इसको एक एक स्टेप्स को आप ध्यान से इसके अंदर समझने की कोशिश करें। डेसिमल से बाइनरी जब भी आपको कोई नंबर बदलना है, चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें डेसिमल नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सपोज एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 25, एक डेसिमल नंबर है हमारे पास में, ठीक है, 2 और 5 ये सब डेसिमल में ही आ रहे हैं आपके पास में। तो आपने एक डेसिमल नंबर लिया है, तो हमने कहा था बेस लगाना पड़ता है हमें, तो बेस का मतलब होता है इस तरीके से आपको नीचे लिखना है 10। डेसिमल नंबर है इसलिए आप 10 लिखेंगे, ठीक है, तो 25 10 लिखा रहा है, इसका डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। आपको बदलना किसमें है, इसे बाइनरी में बदलना है, तो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ आएगा इस तरीके से। अब इससे आपको पता करना है कि आपको कौन सा नंबर दिया हुआ है और कौन से नंबर में आपको इसको बदलना है। तो हमें 10 बेस है इसलिए डेसिमल में दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क जहां पे है वहां पे बेस 2 है, इसका मतलब आपको इसको बाइनरी में बदलना है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदल देंगे। तो सबसे पहले आप नंबर को यहां लिख लीजिए इस तरीके से, जैसे डिवाइड होता है उसी टाइप का आपको प्रोसेस यूज करना है। तो सपोज हमने यहाँ पे 25 ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप रिमाइंडर आर, क्योंकि 2 है बेस यहाँ पे जिसमें आपको बदलना है, तो उस 2 से आपको क्या करना है, इस 25 को डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे 2 से 25 को डिवाइड करेंगे,
कितना आएगा यहाँ पे 25 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे 24 हुआ था तो 12 आ गया यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना रह गया यहाँ पे, रिमाइंडर आपका रह गया है 1। ठीक है, फिर से आप 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से आप 12 को डिवाइड करें कितना आएगा 6, रिमाइंडर 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा आपने 2 से डिवाइड किया। फिर से 6 को आप डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 3, रिमाइंडर बचा है क्या, नहीं बचा। फिर से 3 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 2, तो 2 के अंदर 2 जा सकता है तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 आ गया आपका, लेकिन इसमें रिमाइंडर आपका बचा है तो ये रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 1 आ रहा है इस 1 को आप यहाँ नहीं रखेंगे, लास्ट में हमेशा 1 ही आना होगा यहाँ पे, पर इस 1 को आपको यहाँ नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे इस 2 इस 1 को 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 क्या होगा 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 0 आ गया, और ये वाला जो 1 था ये कहाँ चला जाएगा रिमाइंडर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से डिवाइड हो गया, याद रखिए जिसका बेस हो उसी से आपको डिवाइड करना है, तो ये हो गया आपका डिवाइड इस तरीके से। अब क्या करेंगे यहाँ पे आप, अब इसका आंसर लिखना बाकी है भी हमें, तो आंसर कैसे लिखेंगे याद रखिए जो रिमाइंडर में आर में लिखी हुई चीजें उसमें ध्यान से देखिए, 1 0 वाला ही चीज आ रही है, यानी बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको इसी को ही आंसर बनाना है। लेकिन आंसर बनाओगे कैसे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, एरो बनाना जरूरी है वरना आपके नंबर कट जाएंगे, तो ये आपको आंसर लिखना है नीचे से ऊपर की ओर। तो ये आंसर क्या हो गया इसका मतलब यहाँ पे 1 1 00 1 हो गया आपका आंसर। ये किसका आंसर आया आपका 25 का आंसर था, और किसमें निकाला हमने इसको बाइनरी में निकाला है, तो इसलिए हमने जो आंसर आया उसको आपने बेस 2 लगा के लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने इसको यहाँ पे, एक और क्वेश्चन लिखेगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि कैसे हम इसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं और कैसे इसके अंदर आंसर लिख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आप एक डेसिमल नंबर ले ले, यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिया है वो है 16। ठीक है, इसको आपको वापस बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इस ऐसे ही कॉलम्स बनाए आप यहाँ पे, यहाँ 16 लिखो, यहाँ पे R रिमाइंडर के लिए लिख दे, 2 बेस है इसलिए आपको 2 से डिवाइड करना है, 16 को डिवाइड करें कितना आएगा यहाँ पे 8, रिमाइंडर कुछ आया नहीं आया 0, फिर से 2 से डिवाइड करें 4, रिमाइंडर कुछ आया नहीं आया 0, फिर से 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 2, रिमाइंडर आया नहीं आया 0, फिर से 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना आया 0। लेकिन हमने एक चीज यहाँ पे कही थी, क्या कहा था हमने कि आपका जो रिमाइंडर है सॉरी आपका जो ये 1 है वो कभी भी इस जगह पे नहीं रहेगा, इस 1 को हमें इधर लाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार फिर से 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। आंसर कैसे लिखना हमें नीचे से ऊपर की ओर, तो आंसर कितना हो गया हमारा 16 का आंसर कितना आ गया, नीचे से शुरू कर रहे हैं तो 1 0 0 0 0 ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर आ गया 1 0 0 0 बेस। इस टाइप से आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है, ठीक है, तभी आपका पूरा आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो आया समझ में, आप कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, याद रखिए किसी भी डेसिमल को अगर आपको बाइनरी में चेंज करना है तो उसके लिए यही प्रोसेस
अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब बाय चांस आपका नंबर, ये तो हमने सिंपल सा नंबर लिया था, यही नंबर अगर हम पॉइंट में ले लें, पॉइंट मतलब 16 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हो, 25 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ हो, तो उसको आप बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सपोज हमने नंबर लिया यहाँ पे 40.25, ये हमने नंबर ले लिया है सपोज डेसिमल में, इसको आप चेंज कर रहे हैं बाइनरी में। अब इस पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका जो नंबर आएगा वो डेसिमल वाले ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, सिंपल वाले बहुत कम चांसेस में पूछे जाते हैं, तो आपका यहाँ पे डेसिमल वाला जो होगा वही पूछा जाएगा। अब किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे वो देखिएगा, पॉइंट से पहले वाली जो चीज लिखी होगी, डिजिट्स लिखी हुई होगी, नंबर लिखा हुआ होगा, उसको आप जैसा था सिंपल तरीके से अभी हमने जो डिवाइड करके किया था प्रोसेस, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो चीज है उसको आपको डिवाइड वाले प्रोसेस से सॉल्व नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट से पहले वाला नंबर डिवाइड वाले प्रोसेस से सॉल्व होगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर डिवाइड वाले प्रोसेस से सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे करेंगे फिर इसको हम सॉल्व, ठीक है देखते हैं। सबसे पहले तो 14 को सॉल्व करना है, वो मेथड देख लेते हैं। 14 वाला वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, 14 आर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करके देखें कितना आएगा, 7 रिमाइंडर यहाँ पे 0, फिर से 2 से डिवाइड करो 6 जाता है, कितनी बार 3 बार रिमाइंडर है इसके अंदर 1, फिर से आप 2 से डिवाइड करो कितना आएगा यहाँ पे 2 जाएगा 1 बार रिमाइंडर बचेगा 1, फिर से आप 1 यहाँ पे आ रहा है, इस 1 को यहाँ नहीं छोड़ना है, इसलिए क्या करोगे वापस डिवाइड करोगे, तो वापस हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 14 का आंसर है ये, सिर्फ 14 का आंसर कितना आ गया, एरो बना के लिखेंगे इसको 1110, ये आंसर हो गया हमारा यहाँ पे। लेकिन ये सिर्फ अभी 14 का, हमें चाहिए किसका 14.25 के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हमें 25 को भी सॉल्व करना है कि 25 आप कैसे लिखेंगे इसके अंदर, 25 को कैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। तो 25 का हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से लिखा जा सकता है। 25 को सॉल्व करने का तरीका होगा, आपको जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट से पहले वाली चीज को डिवाइड करे 2 से, पॉइंट के बाद वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई करे, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारे पास पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 25 लिखा हुआ है, पॉइंट 25 इंटू 2 करेंगे, ठीक है 2 बेस था हमारा, बाइनरी में चेंज करना है इसलिए इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0.25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप जो लिखेंगे यहाँ पे आपका जो भी नंबर आएगा वो आपको यूज करना है, यहाँ पे कितना आएगा आपका 0.50, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 0.50 आएगा आपका आंसर। यहाँ पे आप लिखेंगे एक और चीज, वो है क्यू, क्यू का मतलब क्वेश्चन से होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले क्या लिख रहे हैं हम, तो पॉइंट के पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, 0.50 को जो यहाँ पे बच गया है, इस 0 को तो हमने यहाँ लिख लिया, अब बचा हुआ क्या रह गया 0.50 रह गया, तो इस 0.50 को यानी पॉइंट के बाद जो बचा हुआ रह गया है इसको आप वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट यहाँ पे जो आगे लिखी हुई चीज हो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस 0.50 है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले वापस, 0.50 इंटू 2 कितना हो गया 1.00, तो इसका अगला क्वेश्चन कितना आ गया, पॉइंट के पहले क्या चल रहा है यहाँ पे 1, ये 1 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब वापस इस 1 को नहीं लेना है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 1 नहीं आएगा आपके पास में। अब अगली स्टेप में क्या मल्टीप्लाई होगी हमारी चीज, सिर्फ 0.00 होगी 2 से मल्टीप्लाई, तो 0.00 इंटू 2 कितना हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा ऑब्वियस है, हो गया आपका आंसर 0.00, ठीक है या हम यहाँ पे लिख सकते 0, ये हो गया हमारा
आंसर, जो क्यू के नीचे लिखी जा रही चीज वो हमारा आंसर है, क्योंकि वहां पे डिजिट्स आके 01 में ही चल रही है। लेकिन इसको लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा हमारे पास में, ऊपर से नीचे की ओर डिवाइड में आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिख रहे हैं, और पॉइंट की बाय वाली जो चीज है उसमें आप ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इस चीज का हमारा, वो आंसर हो जाएगा 010। इसे किसका किसका आंसर है, 0.25 का। हमें आंसर किसका चाहिए, इस पूरे का 14.25 का आंसर चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम इस पूरे का आंसर देखें तो वो इन दोनों को मिला के लिखना है, ठीक है। इन दोनों को मिला के लिखना मतलब 14 की जगह पे तो ये लिख दो, पॉइंट जहां था वहां आपको लगाना है, और फिर बस 25 की जगह पे आप ये नंबर लिख दो, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 14.25। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना हो गया, 1110 पॉइंट ये वाला मिला के 010। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है इसे, आया समझ में, कैसे लिखेंगे इसे। याद रखिएगा यहाँ पे कि पॉइंट से पहले वाली चीज के लिए डिवाइड करें, पॉइंट के बाद वाली चीज के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर लिखे हुए हैं ये ऐसे नंबर होते हैं जो काफी टाइम तक ये आगे आगे चल जाते हैं। यहाँ तो हमारा बहुत ही जल्दी स्टेप खत्म हो गया, आंसर आ गया हमारे पास में, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन 00 आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जहां पे आपका 0 आ ही नहीं रहा है वहां पे आप क्या करेंगे, 6 से 7 स्टेप के बाद में आप आंसर को खत्म कर देंगे, ओवर कर देंगे। और अगर बाय चांस आपका नंबर रिपीट हो जाता है तो उसको आप बार लगा के लिख देंगे। बट आज के लिए फिलहाल आप इतना ही देखेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को आप कैसे कन्वर्ट करें, और एक सिंपल सा अगर आपका पॉइंट वाला नंबर है तो उसको आपने कैसे कन्वर्ट किया है डेसिमल से बाइनरी के अंदर, ठीक है। और इसको हम कल वाली नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिएगी, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, और आंसर आपको मुझे बताना है कि कितना आएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करके देखिएगा, तो क्वेश्चंस नोट करिएगा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। 18 को आपको चेंज करना है बाइनरी में, को आप चेंज करिएगा बाइनरी के अंदर, और एक है हमारे पास में 40.50, इसको आप चेंज करिएगा बाइनरी। ये 3 क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कितना इसका आंसर आ सकता है। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्शन आएगा, और उतने ज्यादा आपके मार्क्स स्कोरिंग के जो चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग की क्लास से ही आप इसको देखिएगा, और बार बार इन चीजों को समझ में नहीं आता है तो बार बार इन वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे।